त्रिपाठी जी, सबसे पहले कहा गया है कि यदि आप मंदिर में दीपक जलाना चाहिए, मंदिर के द्वार पर जलाना चाहिए, चौराहे पर जलाना चाहिए, और यहाँ तक शास्त्रों में जो वर्णित है वो श्मशान भूमि भी कहा गया है। यदि आप श्मशान भूमि में, लोग आप डर जाएंगे कि श्मशान भूमि कैसे जाए, श्मशान भूमि के अंदर नहीं जाना होता, आप बाहर बैठ करके उस ज्योत को, वहाँ जो बाहर प्रांगण होता है जहाँ तक पब्लिक जाती है, वहाँ आप ज्योत जला दीजिए, आप देखेंगे कि आपके घर में यश की वृद्धि बढ़ती चली जाएगी, आपके घर से क्लेश दूर होता चला जाएगा। तुलसी के पास दीवा जलाना चाहिए, अपने घर की अट्टालिका पर दीवा जलाना चाहिए। ये पांच जगह मैंने बताया, इन पांच जगहों पर यदि आप दीपक जलाते हैं तो आप देखेंगे कि आपके घर में बहुत। तो ये पांचों दिन जलाना है या दिवाली के दिन या किस दिन? देखो नियम तो ये था पांच दिन जलाया जाए, लेकिन आज भाग दौड़ की जिंदगी में आप पांच दिन नहीं कर सकते, एक दिन कर सकते हैं किसी भी दिन। आप उसको कोशिश तो ये करें कि एक तारीख को करें यदि कारण बस, हाँ दिवाली के दिन, और दिवाली के दिन नहीं कर सकते तो 31 तारीख को भी कर सकते हैं सायंकाल के समय, तो भी कोई दोष नहीं लगेगा, लेकिन कोशिश ये करें कि एक तारीख को समय निकाल करके इसको जरूर करें जी। आप करेंगे तो देखेंगे कि आपके जीवन में बहुत सारे परिवर्तन होगा, क्योंकि प्राकृतिक चीज है, यदि हम प्रकृति की संरक्षणा करेंगे तो प्रकृति हमारी रक्षा करेगा जी। और सनातन हमें इसी बात की शिक्षा भी देता है और इसी बात का ज्ञान भी देता है कि अपनी अपने संस्कृति की, परिवार की, सबकी रक्षा के लिए, सबसे प्रेम व्यवहार के लिए ही वो सारी विधा और सारे तरीके बताए गए हैं, उसमें बिल्कुल प्रकृति से जुड़ी हुई सारी चीज़ें हैं। और जैसा आचार्य जी ने बताया कि बहुत, अगर आप साधन संपन्न नहीं भी हैं तो बहुत थोड़े से आप साधन जुटाने होंगे, आपको जल तो आपको पीना ही है तो जल ले लीजिए, अक्षत ले लीजिए, तिल ले लीजिए, तो ये सब विधा जो है बहुत ही आसान और बहुत ही लाभकारी होगी, आपके जीवन में जो बदलाव आएगा वो आपको और प्रेरित करेगा आगे जाने के लिए, जैसा आचार्य जी ने बताया। दिवाली वाले दिन आचार्य जी कुछ बातें ऐसी हैं, क्योंकि दिवाली की जो रात होती है अमावस्या की रात होती जी है जी। और बड़ी शक्तिशाली ये रात होती है, इसमें आप सिद्धियां भी हासिल कर सकते हैं और इसमें कुछ नुकसान भी आपको हो सकते हैं जिस बातों को अगर आप ध्यान ना रखें, तो ऐसी कौन सी बातें हैं जो दिवाली वाले दिन नहीं करें? देखो दिवाली वाले दिन यदि आपको, कई लोग क्या करते हैं कि वो साधारणतया YouTube पर या किताबों में पढ़ लिया कि मंत्र सिद्धि करना है, लेकिन मंत्र सिद्धि बिना गुरु के नहीं होती, और मंत्र का सही उच्चारण भी जब तक नहीं होगा, जैसे दुर्गा सती सप्तशती में है भार्याम रक्षत भैरवी, अब एक पंडित जी थे, छोटी सी कहानी सुना रहा हूं, वो पंडित जी थे, अब वो इतना पढ़े लिखे नहीं थे, तो वो क्या कहते थे, दुर्गा सप्तशती पढ़ते थे तो कहते थे भार्याम भक्षति भैरवी। उन्होंने एक विवाह किया, पत्नी का निधन हो गया, दूसरा किया वो भी हो गया, तीसरा किया भारिया माने पत्नी, तीसरे का भी निधन हो गया, उन्होंने दिन अपना पोथी पत्रा उठाया और कहा ले जा करके इसको मैं जो है गंगा जी में प्रवाहित कर दूंगा। जब वहाँ गए तो माँ भगवती साक्षात प्रकट हुई, उन्होंने कहा कि पंडित जी आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? बोले मैं पूजा करके करूँ क्या, मैं पाठ करते करते हो गया कि मेरी पत्नी सदैव अच्छा रहे, मेरे साथ रहे और उसकी रक्षण हो। तो माँ ने पूछा कि पंडित जी आप मंत्र क्या पढ़ते हो? तो उन्होंने कहा मंत्र मैं पढ़ता हूँ, पूरा मंत्र तो लंबा मंत्र है, भार्या भक्षत भैरवी। कहा पंडित जी ये आप कहते तो कि मेरी भार्या का भक्षण करो, ना करूं तो आपकी वाणी का भी निरादर हो जाएगा। तो कहा करना क्या? उन्होंने कहा भार्याम रक्षति भैरवी है, भार्याम रक्षति भैरवी, आप मेरी भार्या की रक्षा करो। तो इस कलयुग में त्रिपाठी जी कुछ लोग मंत्र को नहीं जानते, शुद्ध उच्चारण नहीं जानते, कुछ लोग जो परेशान है वो कहीं सच में कहीं भक्षति बोल करके कहीं माता रानी से प्रार्थना ना करने लगे। हाँ ये इसलिए परेशान है, इसलिए रक्षति है जी, रक्षति, तो इसलिए बहुत सारे मंत्र हैं। आप सात्विक रूप से भी हाथ जोड़ करके माँ से कहते हैं कि हे माँ लक्ष्मी जी, कुबेर जी, रिद्धि सिद्धि जी, मेरे घर में आप सब परिवार आइए, विराजमान होइए। इतना तो हर आदमी जानता है, ये देखिए ये वेदों में कहा गया और ये आवाहन आप कर सकते हैं कोई भी, और इसको नोट डाउन भी करते हैं कर सकते हैं। सबसे पहले ओम लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः, ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः, ओम वाणी हृदयाभ्याम नमः, ओम सचिपुंद्राभ्याम नमः, ओम इष्ट देवताभ्यो नमः, ओम कुल देवताभ्यो नमः, ओम ग्राम देवताभ्यो नमः, ओम वास्तु देवताभ्यो नमः, ओम स्थान देवताभ्यो नमः, ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, मात पितृ चरण कमलेभ्यो नमः। इतना कह करके भी यदि आप पूजा कर लेते हैं तो समझो आपने सारे देवी देवताओं की पूजा कर ली।